हमें शुक्र करना चाइना वालों ने हेल्प करके हमारे लिए इतनी खूबसूरत कराकोरम हाईवे बनाई है। रोड हमारे इकोनॉमिक का एक नस है, जहां से ब्लड चल रहा होता है, हमारे इकोनॉमिक चल रहा है। सुबह 4 बजे दोस्त, शाम 7 बजे हालत आए बाप। चौदह मील उलना, 14 मील खाना, 28 मील रेगुलर को खर्च में। ये रोड एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि चाहे आपकी आम एक लाइफ में हो, चाहे आप किसी मसले में हो, या चाहे आपके कारोबारी ज़िंदगी हो, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप किसी शहर के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि मोस्टली जिस गांव आप आए हैं, जिसको ओशखानदास कहते हैं, ओशखानदास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो सब्ज़ी उगाते हैं, सब्ज़ी उगा कर सब्ज़ी को बेचते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बाज़ दफ़ा रोड अगर डिज़ास्टर आती है तो रोड ख़राब हो जाता है, तो हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लाखों का नुकसान होता है, गरीबों का जो दिन भर कमाई करते हैं, ठीक है। तो वो रोड सही तरीके से बनता है और लोग अगर ख़राब हो जाते उसी टाइम पर फ़ौरन वॉलंटियर्स आते हैं, सामने आते हैं, यूथ सामने आती है हमारी, चाहे मेल हो फीमेल हो, फिर उन इस रोड को साफ़ कर देते हैं ताकि उस गरीब का नुकसान ना हो किसी तरीके से। तो रोड की इम्पॉर्टेंस ऐसी है कि जैसे आपके जिस्म में ब्लड नहीं चलती है, ब्लड में जो अगर कोई नस कट जाए तो आपको मसला पैदा कर जरूर। कौन गुतबिला कमी नहीं वो अमित हाल है मैं अब तन नुकसान मनी में बलंग घर मनी में आज बस जमींदारी लो बस खुशहाल में के मी 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 तो सर चवान हम चीज अमित खुशहाल में कि मी आई चवान गुतौलो अगर यो ने अगर इतफाक ने इतफाक ने दफ्तर से यो ने गुतो एचन नो सन हॉल में तेरे ख्याल यो शवान अयो शन अवाम है तो हॉल में तेरे सबाब ज़्यादा में बिला जो हॉल में तेरे सफा तुम का अवाम सहलत में बिला सहलत में बिते मी इतने पारे नहीं मी हॉल में तेरे जवान गुतियों गाटी में जफाक ने अतमन के गुतो मी गुतो वतन आबाद में मी दफ्तर में मी खूबसूरती में मी औलाद बान चार औलाद बान बाल बच्चा
वाल्तुबान हिन आई वो ये गुतबिला जा बेरमन तकलीफ है वा को ओला ता गम ले लपी कोई तो वक्त जट शुबम मुजा बेरम पोरदन खराब मन कन मु के चीजिंग जोडिंग बेरम जा तकलीफ में बला ओला ता ले लपी मुजा अखुल जे सनम का को ले लो म बला के को मी मिजाक ते तमान इते जनो को ता फिलमना हमारे ये ठंडा एरिया है, यहाँ सड़क पे पानी अगर छोड़ देंगे तो ककर जमता है और ककर जमने पर गाड़ी अमूमन स्लिप हो जाती है और हादसा रोनुमा होता है। तो हर जगह पर गवर्नमेंट का आदमी तो नहीं पहुँच सकते हैं कि वहाँ तक, फिर पब्लिक के लिए हम कोशिश करते हैं बच्चों को अपने साथ मिलाएं, वॉलंटियर साथ मिलाएं, उस ककर जहाँ जम गया है वहाँ ऊपर हम मिट्टी डालें ताकि गाड़ी स्लिप न हो, कोई हादसा न हो। ये जब केकेज नहीं था उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था तो यहाँ से हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे, यहाँ से कोई बस गुजरेगी, उस बस में उस सड़क पर हम सफ़र भी कर लिया, सफ़र हम उसका कदर तो हमें होना चाहिए, हमारे बच्चों को शायद न हो ये कदर, हम उनको ये चीज़ें समझाएं, उनको एजुकेट करें कि सड़क की ये कदर थी। जिस तरह हम सफ़र करते रहे, मेरे वालदा की डेथ हो गई, एक महीने बाद पहुँचाऊँ कॉलेज से, तो हमारे बच्चों को इसका इल्म नहीं है, तो इसलिए इसकी कदर हम न करें कौन आके करेगा। पहले यह होता था कि वॉलंटियर्स होते थे, जिस तरह हमारे वहां एक खोजान नामी एक यानी मेट है अलकतीन में, खोजान पहले वो एज ए वॉलंटियर यानी कि वहाँ पे काम करता था, बाद में जो है याद सिटिक गई यहाँ हमारे यानी कि डिपार्टमेंट से, हमने खुजान को यानी कि एज ए हार्ड वर्कर पाया, बाकी उसके उस बेस पे जो है राइटी दी, क्योंकि ऑलरेडी वो वॉलंटियर काम कर रहा था वहाँ पे, डिपार्टमेंट के थ्रू पहले उसको कुल लिया, फिर उसके बाद जो है वो यानी तकरीबन 8 से 10 साल तक वो वहाँ पे वर्क करता रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको हमने अपग्रेड करके अब वो जो है एज ए मेट वहाँ काम कर रहा है।